बड़ी इब मारे थे फिर रोवेगी पड़ जा रे की ढाड़ा, इब मारे थे फिर रोवेगी पड़ जा रे की ढाड़ा। भाई हम छतरी राजपूत जात के, हम छतरी राजपूत जात के, अरे डबर ने कटाड़ा, फिर रोवेगी बनजारे की ढाणा। के हम छतरी राजपूत जात के ना मरने का टाड़ा, इब मारे ते फिर रोवेगी बनजारे की ढाड़ा। पहली गली के अंदर बनजारा कौन था, कहाँ का रहने वाला था, कहाँ उसका निवास था, क्या घटना उसके साथ में हुई, पहली गली के माध्यम से क्या दर्शाया। भाई एक समय का जिक्र करूं रे, एक समय का जिक्र करूं, एक लक्खी था बनजारा, 352 सर की उसके लंबा चौड़ा नारा, 352 सर की उसके लंबा चौड़ा नारा। पैसा रे के वो खर्च करे था मोटा साहूकारा, बनजारे ने एक कुत्ता पाया लगे जानते प्यारा, बनजारे ने कुत्ता पाया लगे जानते प्यारा। भाई माथे टीका कर मेरे पट्टा, माथे टीका कर मेरे पट्टा, और बाकी का रंग काला, फिर रोवेगी बनजारे की ढाड़ा। सजना बताया कि एक समय का जिक्र करूं, एक लक्खी था बनजारा, 352 सर की जिसके लंबा चौड़ा लारा, सारे के वो खर्च करे था मोटा साहूकारा, बनजारे ने कुत्ता पाड़ा जो लगे जानते प्यारा, माथे टीका गढ़ में पट्टा बाकी का रंग काला, अरीब मारे तो फिर रोवेगी बनजारे की ढाड़ा। सात लाइन हुई है रागनी की, अगर लग रही हो बिल्कुल जोश खरोश के साथ में हो रही है तो सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। सजनों उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, लाहौर शहर का रहने वाला था बनजारा। एक बीमारी आई जिसमें गांव के गांव खाली हो गए, उस गांव में एक आदमी को फूंकने के लिए जाते दूसरे की मृत्यु हुई पाती, लेकिन उस गांव में वो कुत्ता और बनजारा बच गया। अब तो कहीं भी जीने की आस नहीं दिख रही थी, लाहौर शहर से बनजारे ने आगरे की तरफ चलने की योजना बनाई। किस तरह से बनजारा लाहौर से आगरे में आया और क्या घटना आगे बढ़ी, कैसे लाहौर शहर से बनजारे ने, लाहौर शहर से बनजारे ने अपना टांडा ठाया। कई दिन हो गए चलते चलते शहर आगरे में आया रे हो, कई दिन हो गए चलते चलते शहर आगरे में आया। भाई ढलती फिरती छाया लोगो, ढलती फिरती छाया लोगो, बेटे ने घना सताया, एक लाला जी के आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया रे हो, लाला जी के आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया। भाई 20,000 रुपए लेके, अरे 20,000 रुपए लेके दिया कुत्ता छोड़ रुखाड़ा, हमारे से रोवेगी बनजारे की ढाड़ा, हमारे से फिर रोवेगी बनजारे की ढाड़ा।
लाहौर शहर से आगरा तो आगे बढ़ जा रहा, लेकिन पैसा एक भी पास नहीं था। किसी ने बताया कि एक लाला है जो उधार देता है। सजनों बढ़ जा रहा लाहौर शहर से आगरा आया, आगरे में उस लाला जी के पास पहुंचा कि लाला जी मेरे साथ में ऐसी घटना हो गई, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। कि कितने रुपए? के 20,000 रुपए उधार चाहिए। लाला जी पहले हंसा कि भाई पहले मेरा एक वसूल है, पहले कुछ गिरवी रख, उसके बाद उधार दिया जाएगा। कि कैसा, क्या गिरवी धर सकता हूं मैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास एक चीज है, ये कुत्ता जो मेरा जीवन का साथी है, इस समय इसके सिवा मेरा कोई साथी नहीं है। शेर जी हंसने लगे, कहने लगे मामूली से कुत्ते के 20,000। सजनों शेर जी के मन में कोई बात आई, कुत्ते को रख लिया और उस बंजारे को 20,000 रुपए दे दिए। 6 महीने की कहकर गया था, 1 साल होगी बंजारा वापस नहीं आया। सजनों अब शेर जी कुत्ते ने देख रहे हुए, अरे तू बेईमान, वो तेरा लक्की बंजारा बेईमान, 6 महीने की कहकर गया था, 1 साल हो गए नहीं आया। कुत्ते की आंखों में से परल परल आंसू आने लगे, इसके घर देर है देर नहीं। वो टाइम भी आया जब उस कुत्ते को बड़ा जहर दिखाने का टाइम आया। एक दिन सेठ जी के घर में रात हुई, रात के समय में चोर चोरी करने के लिए घुसे और कुत्ते ने क्या जहर दिखाया और दादा ने क्या रखा। भाई लाला जी के चोरी होगी, लाला जी के चोरी होगी, 1 साल में चोरा ने उन चोरा ने जब धन काढ़ा वा कुत्ता खड़ा गाड़े में, चोरा ने जब धन काढ़ा कुत्ता खड़ा गाड़े में। और चोरा ने धन लूट पाट के, चोरा ने धन लूट पाट के ताप्या एक ताल में। सुबह उठा, सुबह उठा जब पता लगी वो कुत्ता लाया माल में, सुबह उठा जब पता लगी कुत्ता लाया माल में। भाई लाला जी तेरा जी हो गया, लाला जी तेरा जी हो गया, तू कुत्ता छोड़ रुखारा भाई बलराम बैसला की इस फरमाइशी रागनी पर हमारे परम आदरणीय श्री धर्मपाल पहलवान जी 500 रुपए देकर के भाई बलराम बैसला को पुरस्कारित करते हैं। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अशोक यादव जी वो भी 100 रुपए देकर के भाई का हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगली कड़ी के माध्यम से सजनों, जब कुत्ता माल को निकाल के आ जाता है, आगे का हवाला अगली कड़ी के माध्यम से भाई बलराम बैसला द्वारा। कैसे बताया, शेर जी के घर में चोर चोरी करने के लिए घुस गए, कुत्ता गाल में बैठा भौंका नहीं, क्योंकि समझदार था। अब जैसे ही चोरों ने चोरी करी और उस धन को लेकर के एक तालाब में डुबो दिया कि अब किसी दिन फिर जब बात दब जाएगी तो इस धन को निकाल करके ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही शेर जी उठे, उठते ही कुत्ते की तरफ नजर गई, अपनी तिजोरी खाली देखी, फिर से वही बात कह दी, तू बेईमान, वो तेरा लक्की बंजारा बेईमान, कब की कहकर गया था, आज तक नहीं आया और तूने भी वैसा ही काम कर दिया। अगर रात तू भौंक जाता तो मैं चोरों को मार मार के भगा देता। सजनों इतनी बात सुनी, कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए, शेर जी की धोती पकड़ी और उस तालाब के किनारे ले गया जहां पर उन चोरों ने सारे धन को छुपा करके रखा था। शेर जी धन पाकर बड़ा खुश हुआ, रे तेरा लक्की बंजारा ठीक कहे था, तेरे तो 20 लाख भी थोड़े हैं। कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी कि जा तू अपने लक्की बंजारे को ढूंढ ले, मेरी तरफ से तू आजाद है
और लिख दिया लक्की बन जा रहे मेरे तो आए होगे, तुझे और चाहिए तो और ले जा। तेरे कुत्ते ने वो काम कर दिया सजनों, वो कुत्ता अपने मालिक को ढूंढता ढूंढता अपने मालिक के पास पहुंचा। जैसे ही लक्की बन जा रहे के पास पहुंचा वो काली मान गया, कहने लगा अरे मेरे पे पैसे नहीं बने थे, मेरी मजबूरी थी, तू फिर भी आ गया धोखा दे करके। देसी कट्टा रखता था, कुत्ते में लिकाड़ के गोली मार दी। और जब चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में क्या लिखा था, दादा ने लास्ट कली में तोड़ कर दिया। कैसे भाई अपना फर्ज निभा के कुत्ता, अपना फर्ज निभा के कुत्ता वहां ते चलिया बेचारा। पांच सात दस कोस गया जब वहां मिला बनजारा, पांच सात दस कोस गया जब वहां मिला बनजारा। और बनजारे नहीं जानवा कुत्ता जीते मारा, गल में बंधी चिट्ठी देखी हाथ फिर पुचकारा, गल में बंधी चिट्ठी देखी हाथ फिर पुचकारा। चिट्ठी में लिखा हुआ था लक्की बनजारे मेरे आए होगे, तने और चाहिए तो और ले जा। उस दिन ये कहावत बनी इस तरह मत पछताना, जैसे वो लक्की बनजारा कुत्ते ने मार कर होया था पहले, उसकी वो देख लेनी चाहिए कि क्या काम हुए करके आया। क्या ला दादा ने लिखा, अरे चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, लख तू चल जाती वाला रोवेगी।